हमने 17 तारीख से संगठन की मीटिंगें शुरू करी थी। शुरुआत पंचकुला से हुई थी। आज हमने अपने 22 के 22 जिलों में अपने पार्टी के सभी सीनियर लोगों के और जिला की कार्यकारिणी की जिम्मेवारी जो है आगे और कैसे इसका विस्तार हो और संगठन के लोगों को जिम्मेवारियां दी जाए, संगठन को गांव के पंच के वार्ड के सत्र तक खड़ा किया जाए, इसके लिए अलग अलग जिम्मेवारियां लगाई और 15 दिन का समय दिया हमने फिर से इसको पंच के वार्ड के सत्र तक आप संगठन को खड़ा करो। मैं फिर उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो अब दोबारा हमने उनको संगठन के विस्तार की जिम्मेवारी लगाई है उसको भी वो बहुत जल्द पूरा करेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर इस जिम्मेवारी को भी खड़ा कर हमारी पार्टी के संगठन को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने भी करी, कांग्रेस ने भी करी, जेजेपी ने भी करी। आज आपके सामने है जो लोग ये कटाक्ष करते थे कि अब सिंह अकेला रह गया, INLD खत्म हो गई। आज INLD तो हजारों लोगों को कार्यकर्ता के रूप में बुला करके हजारों की संख्या में अन्य पार्टियों से, अन्य दलों से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हम तो आज लगातार अपने राजनीतिक कार्यक्रम प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन जो हमें अकेला कह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचा, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। आज वो लोग अपने संगठन की मीटिंग भी नहीं कर सकते, वो लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते, वो लोग आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर नहीं सकते, हिस्सा नहीं ले सकते। आज वो लोग जो है किसी की डेथ पे भी, किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते, वहाँ भी उनका विरोध है। जिस कांग्रेस ने भी हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश करी थी आज वो बिखरी पड़ी है पूरी तरह से। बिखराव आपके सामने है। शैलजा को आज 2 साल से ज़्यादा समय हो गया कांग्रेस की प्रधान बने थे, आज तक जिले का संगठन खड़ा नहीं कर सके, ब्लॉक का तो बहुत दूर की बात है। हमने तो अपने संगठन का विस्तार जो है जोन के स्तर पे कर दिया, लेकिन ये लोग आज आपस में लड़ रहे हैं, आज इनकी दाल जो जूतियों में बट रही है। इसलिए लोगों का विश्वास अब अगर किसी पार्टी पे है, भरोसा अगर किसी पे है, इसलिए आज हजारों लोग जो है हमारे साथ इन पिछले 11 दिन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया, जो अलग अलग पार्टियों से आए, जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करी है। बाकी एक भी राजनीतिक दल ऐसा बता दो जिसने इन दिनों में किसी एक भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल किया है। आज आपके सामने कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग और कांग्रेस के लोग इलाहाबाद के उपचुनाव से भाग रहे हैं। कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत करती है तो फिर कांग्रेस ने डिमांड क्यों नहीं करी शैलजा ने, हुड्डा ने, कि इलाहाबाद में 6 महीने का समय पूरा हो गया, आपको सरकार को इलाहाबाद का उपचुनाव कराना चाहिए। क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों एक दूसरे के हाथों में खेल रही है, इसलिए इस तरह की डिमांड नहीं करते। उनको पता है कि अगर चुनाव हुआ इलाहाबाद का तो फिर तुम्हारा सफाया हो जाएगा। हम डिमांड करते हैं कि सरपंची के चुनाव अगर हो सकते हैं, अगर नगर पालिका नगर परिषद के हो सकते हैं, तो फिर इलाहाबाद का उपचुनाव क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है उसमें, सरकार बताए। और जल्दी सरकार जो है
इसका नोटिफिकेशन करवाए इलेक्शन कमीशन से और इस चुनाव को कराए ताकि इलाहाबाद की जनता जो है, इलाहाबाद के लोग जो हैं, उनके रुके हुए काम जो है उनका नुमाइंदा फिर से उसको आगे बढ़ा सके। पंचायत चुनाव ने फैसला लिया, पंचायत का चुनाव हमें जिला परिषद का चुनाव जो है वो सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय इसका चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। अगर कोई अड़चन नहीं होगी कानूनन तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी। 1970 से लेकर के अब तक चौटाला साहब बीच में जो रिजर्व थी वो एक समय अलग था, बाकी समय में चौटाला साहब इस सीट पे चुनाव लड़ते रहे और हमेशा चौटाला साहब ने इसका नेतृत्व किया। मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी गैर हाजिरी में उस जिम्मेवारी को निभाया है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, अगर कोई कोर्ट की तरफ से बाध्य नहीं होगा तो हर हालत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से उम्मीदवार होंगे और इतने बड़े मतों से जीतेंगे कि हरियाणा का एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि कोई अपोजिशन पार्टी का आदमी जिसने सत्ता पक्ष और कांग्रेस दोनों को नाकुंचने चबाए। मैं चौधरी संपत सिंह को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, फ़ोन भी उनसे करूँगा कि आप हमेशा किसान के हिमायती रहे हैं, आपने चौधरी देवीलाल के साथ बहुत लंबे समय तक राजनीति करी है, आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी बहुत लंबे समय तक संघर्ष भी किया और आपने सत्ता में साझेदारी भी रखी और आपने उनके साथ संगठन में भी काम किया। अगर सही मायने में आप किसानों के हित हो तो आपको बीजेपी से नाता तोड़ लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव होगा। आज आपने हमारी मीटिंगें देखी है, क्या आपने ये सोचा था कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतना बड़ा हजूम होगा? आपने पहले भी हमारी कार्यकर्ताओं की बैठकें देखी है लेकिन अब एक अलग उत्साह है कार्यकर्ताओं की बैठक, ये बदलाव की निशानी है। चौटाला साहब जब आएंगे लोगों के बीच में उस दिन ये आंधी और तूफान का रूप धारण कर लेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पहली लहर है, आपने इसमें देखा होगा कि किस तरह का हौसला है लोगों में। दूसरी लहर जब आएगी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लोगों के बीच में आएंगे, तब आप देखना, आज अगर 2000 की हाजिरी थी, आज अगर 3000 की हाजिरी थी तो वो 20,000-30,000 में तब्दील हो जाएगी। हमारी जो तीसरी लहर आएगी वो लहर नहीं होगी, वो सुनामी होगी जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी सब बह जाएंगे, तैश नैश हो जाएंगे। यहाँ तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही वर्चस्व बचेगा। चौटाला साहब हॉस्पिटलाइज हैं, जैसे हॉस्पिटल से आएंगे, चौटाला साहब की सोच हमेशा रही है कि इस देश में थर्ड फ्रंट ही बढ़े। हम ना बीजेपी के समर्थक हैं, ना हम चाहते कि कांग्रेस इस देश में आकर के सत्ता पे काबिज हो। हम चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता हो जो रीजनल पार्टियों से जुड़े हों, जो राज्यों को अच्छी तरह से समझते हों, जो राज्यों का उत्थान कर सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके। रीजनल पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो अपनी स्टेट में लोगों की हर चीज़ को मद्देनज़र रख करके उनके लिए काम करती है।